फ्रेंड्स आर मेड बट एनिमीज आर ऑलवेज सेल्फ मेड, अर्थात जो दोस्त हैं वो तो हम बनाते हैं, बनाए जाते हैं, लेकिन दुश्मन हमेशा ही बने बनाए मिलते हैं। देखें आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं, 10 वर्ड्स 10 वर्ड्स, लेकिन वो 10 शब्द हैं कितने बढ़िया और कितने यूजफुल, लाभदायक हैं, हर समय यूज में आने वाले, और इनको यूज किया जाता है लेकिन लोग इसकी हिंदी नहीं समझते। इन शब्दों को बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या हुआ। आज जान लें, ब्रेन बॉक्स लोग बोल देते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि जो दिमाग है उसके ऊपर का बक्कल यानी संदूक, लेकिन इसका अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। ब्रिटेन में इसको दूसरी तरीके से लिया जाता है, इसको कहा जाता है अरे तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, किसी की मजाक उड़ाने के लिए। ही इज ए ब्रेन बॉक्स, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। शी इज ए ब्रेन बॉक्स, वो बहुत बुद्धिमान लड़की है। यू आर ए ब्रेन बॉक्स, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ब्रेन चाइल्ड किसे कहेंगे? आप जैसे ही आप इस शब्द को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि दिमाग में बैठा हुआ बच्चा, बच्चा नहीं उपज, दिमाग की उपज, अर्थात देखें दिमाग की खोज, उपज, सोच, इसके 3 अर्थ होते हैं। ब्रेन चाइल्ड, इट इज योर ब्रेन चाइल्ड, ये तुम्हारे दिमाग की उपज है। इट इज योर पर्सनल ब्रेन चाइल्ड, तुम्हारे खुद के दिमाग की उपज है। इट इज हिज ब्रेन चाइल्ड, ये उसके दिमाग की सोच है, मेरे दिमाग की सोच नहीं है, उसके दिमाग की खोज है, उपज है, सोच है। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ब्रेन चाइल्ड, दिमाग के उपजे विचार, उपज, खोज, सोच। ब्रेनी, ब्रेनी माने दिमागदार, बुद्धिमान। ही वाज ए ब्रेनी टीचर, वो एक बुद्धिमान अध्यापक थे। ब्रेनी, अब ब्रेनी को देखें, यदि आपको कहना है वो उससे ज्यादा बुद्धिमान है तो ब्रेनियर शब्द आएगा, कंपेरेटिव डिग्री है ये, और सुपरलेटिव डिग्री हो गई ब्रेनी एस्ट, अर्थात सबसे ज्यादा दिमाग वाला। ब्रेनी माने बुद्धिमान, उससे ज्यादा बुद्धिमान ब्रेनियर, ब्रेनियस्ट सबसे ज्यादा बुद्धिमान। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनती है, ही इज ए ब्रेनी टीचर, वो एक बहुत बुद्धिमान अध्यापक है। किसी के लिए भी कह सकते हैं, अध्यापक के लिए ही जरूरी नहीं है। ब्रेन डेथ, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के लिए कह देते हैं कि इसका ब्रेन डेड हो गया है, दिमागी रूप से मौत, यानी अब वो जिंदा है लेकिन वो मर गया, अर्थात मेडिकली उस वो मर चुका, क्लिनिकल डेथ, मेडिकली यानी डॉक्टरों की नजरों में वो मृत है, जिसका दिमाग मर गया वो व्यक्ति भी मर गया। ब्रेन डेथ, क्लिनिकल डेथ, चिकित्सीय मौत, यह कोमा में चला गया लंबे समय के लिए, तो मौत ही है उसकी, दिमाग मर गया तो व्यक्ति भी मर गया, उसका शरीर भी मर गया समझो। ब्रेन लाइक ए बटरफ्लाई, ब्रेन ड्रेन, इस शब्द को समझे पहले, 5वें को, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि आजकल ये हो रहा है कि देश के जो बुद्धिमान लोग हैं, जैसे वैज्ञानिक हैं या और भी बहुत बहुत बुद्धिमान लोग पड़े हैं इस देश में या और देशों में भी, एक देश से सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में चले जाना, जब किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को सही जगह नहीं मिलती तो वो पलायन कर जाता है, चला जाता है, इसी को कहते हैं ब्रेन ड्रेन, बुद्धिमान लोगों का देश से पलायन। देयर इज ए लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत ज्यादा बुद्धिमानों का पलायन हो रहा है सुविधा ना मिलने के कारण। ब्रेन लाइक ए बटरफ्लाई, इसका क्या अर्थ होता है, बर्ड ब्रेन या
ब्रेन लाइक ए बटरफ्लाई, चंचल दिमाग होना अर्थात मूर्ख होना। कोई यदि मूर्ख है तो उसको कह सकते हैं ब्रेन लाइक ए बटरफ्लाई, जरा सा इधर इधर बैठा, कभी कभी उधर बैठा, कभी उधर बैठा, जैसे तितली होती है ना, बटरफ्लाई माने तितली, एक फूल पे फिर दूसरे फूल पे फिर तीसरे फूल पे, ऐसे ही बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स बोलते रहते हैं लोग। ब्रेन लाइक ए बटरफ्लाई, बर्ड ब्रेन, मूर्ख या चंचल दिमाग। अब देखें ब्रेन ऑन ए स्टिक का अर्थ क्या होता है। बहुत सारे लोग उनमें वो भावना शून्य होते हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती, मनुष्यों के प्रति जानवरों के प्रति कोई भावना सद्भावना कुछ नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है ब्रेन ऑन ए स्टिक, भावना शून्य व्यक्ति। द लीडर्स ब्रेन इज ऑन ए स्टिक, नेताजी का दिमाग बिल्कुल भावना शून्य है, नेताजी भावना शून्य है। ब्रेन सिक, ब्रेन सिक किसे कहेंगे, ब्रेन सिक मंद बुद्धि को कहते हैं, ही इज ब्रेन सिक। अब देखें ब्रेन वॉश किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की चीज है, ब्रेन वॉश कहते हैं टू वॉश समबडीज ब्रेन, अर्थात किसी के दिमाग को धो डालना, साफ करना, उसके अपने विचारों को साफ कर देना, खत्म कर देना और अपने विचार उसमें उसके दिमाग में डाल देना, किसी की सोच बदल देना, टू वॉश समबडीज ब्रेन, ब्रेन वॉश कहलाता है इसको, नाउन। ही हैज वॉश्ड माय सन्स ब्रेन, उसने मेरे लड़के के दिमाग को बिल्कुल धो डाला है, मेरे लड़के के विचारों को बदल दिया है, मेरा लड़का तो सन्यासी होने जा रहा है। अब देखें ब्रेन वेव किसे कहते हैं, अचानक दिमाग में कोई विचार आना, अचानक मेरे दिमाग में उठा कि मैं यहां से चला जाऊं, अचानक मेरे दिमाग में उठा कि मैं शादी कर लूं, अचानक मेरे दिमाग में उठा कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, तो बहुत सारे विचार अचानक दिमाग में आते हैं, इसे कहते हैं ब्रेन वेव, अचानक दिमाग में कोई विचार आना या विचार, अचानक उत्पन्न होने वाला विचार। अब देखें सेंटेंस में इसको कैसे पिरोएंगे, शी हैड ए सडन ब्रेन सडन वेव टू गेट मैरिड, या ब्रेन वेव यहां पर लिख सकते हैं, ब्रेन वेव इसकी जगह सडन, या ब्रेन वेव टू गेट मैरिड, उसके दिमाग में अचानक शादी का विचार आया। आई हैड ए सडन वेव टू गेट मैरिड, या आई हैड ए ब्रेन वेव टू गेट मैरिड, मेरा शादी करने का विचार, अचानक मेरा शादी करने का विचार आया। ही हैड ए सडन वेव, या ब्रेन वेव टू रन अवे, भाग जाने का विचार आया। ये सब बातें इसके अंतर्गत आएंगी। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।